को रादौर विधायक डॉक्टर बीएल सैनी ने शहर स्थित कार्यालय में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक डॉक्टर सैनी ने सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को जनसंवाद का नाम दिया है, लेकिन जब कोई अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है तो वह उन्हें विपक्षी पार्टी का बताकर उसकी आवाज को दबा देते हैं। विधायक ने कहा कि हार को देखकर अब मुख्यमंत्री विचलित हो रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वहीं इस मौके पर उन्होंने सरकार के सहयोगी दल जेजेपी पर भी निशाना साधा। संवाद में जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का बिहेवियर है लोगों के साथ, अभी एक स्टेज पर तो खड़े होकर बोलते हैं जनसंवाद प्रोग्राम के अंदर कि भी किसी की समस्या हो, कोई सुझाव देना चाहे या कोई मुख्यमंत्री से कोई बात कहना चाहे, भी स्टेज पर आ जाए अपनी बात कहे, बिना डरे बिना ही चक्के अपनी बात कहे, यही कह रहे हैं ना। तो अगर कोई अपनी समस्या लेकर के खड़ा होने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है, तो उसको ये कह करके दबा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है या उठा करके फेंक दिया जाता है बाहर कि भी ये तो कांग्रेस का है या ये आम आदमी पार्टी का है या ये लोकदल का है, निकालो इसको बाहर। मुख्यमंत्री है, उसकी लैंग्वेज होती है, उसका कहने का तरीका होता है, ये तो गलत बात है। ये मुख्यमंत्री जो है ना, एक प्रकार से ये विचलित हो चुका है, घबराहट हो चुकी है, क्योंकि हार दिखाई दे रही है। आज शहर हो चाहे देहात हो, बच्चा बच्चा जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो चुका है, खिलाफ हो चुका है। और इसको देख करके इनके अंदर डर पैदा हो गया कि सरकार तो गई। जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं जेजेपी पार्टी वाले, अव्वल तो जेजेपी पार्टी वालों को ही चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। और वो मुख्यमंत्री क्या कह रहा है पेंशन के बारे में, जब जी कराया ये तो इनकी तो सरकार ही नहीं मानते हम, इनकी कोई सरकार है, सरकार तो हमारी है, हम इनकी कोई बात नहीं मानते जेजेपी वालों की। फिर जेजेपी वाले कहें वास्ते पड़े, क्यों पीछे बैठ, क्यों पिछला गुए रहे हैं। रादौर के गांव पोटली के समीप पश्चिमी यमुना नहर के साथ बनी डिच ड्रेन से खेतों में हुए रिसाव के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद किसानों ने मिट्टी की मदद से इस रिसाव को रोकने का कार्य किया। वहीं मामले की सूचना सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भी दी गई। किसानों का कहना है कि समय पर सफाई न होने से डिच ड्रेन जगह जगह से खस्ता हाल हो चुकी है, अगर जल्द ही इस ओर विभाग का ध्यान नहीं गया तो इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ सकता है। वहीं सिंचाई विभाग के जेई सौरभ का कहना है कि डिच ड्रेन की साफ सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। फोकलेन मशीन की मदद से हमीदा हेड से लेकर धनोर पुल तक ड्रेन की साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। बरसाती सीजन से पहले साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। शिव कॉलोनी में स्थित गंगो वाले पीर की मजार पर 23वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व भगत निर्मल सैनी ने मजार पर चादर चढ़ाकर क्षेत्र के अमन चैन की दुआ की। भगत निर्मल सैनी ने बताया कि पीर की मजार के प्रति क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है। प्रतिवर्ष पीर की मजार पर धूमधाम से सालाना उर्स मनाया जाता है। शाम को कव्वाली का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। शिव मंदिर धर्मशाला में आयोजित हुई श्री कृष्ण कथा के समापन पर हेमंत सेवा समिति द्वारा कथावाचक साध्वी प्रवीणा भारती को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने सपरिवार कथा में शिरकत की। डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि श्री कृष्ण कथा मानव जीवन के लिए अनुकरणीय है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भक्त भव सागर को पार कर जाता है। श्री सतगुरु कबीर साहिब समिति रादौर द्वारा आगामी 4 जून को शिव कॉलोनी की गली नंबर 7 में कबीर प्रकट दिवस कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि समिति हर वर्ष धूमधाम से कबीर प्रकट दिवस मनाती है। इस मौके पर शाम को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा।